सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज दर्पण चैनल को और दबाइए इस घंटी वाले बटन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर किसी की मोबाइल खो जाती है तो वो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होता कि उसकी मोबाइल खो गई, बल्कि इसलिए वो ज़्यादा परेशान होता है कि उसकी मोबाइल में जो सिम लगा था, कहीं जो भी व्यक्ति पाए उस सिम का कहीं कोई मिसयूज ना करे, और जो कोई भी उस सिम को पाता है और मिसयूज करता है तो पकड़ा जाता है वो सिम जिसके नाम से कनेक्शन होता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बिना मतलब उस सिम के कंपनी के रिटेलर के पास या मिनी स्टोर में जाने के बजाय आप खुद ही अपने सिम को कैसे बंद कर पाएंगे। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज दर्पण चैनल और इस वीडियो के साथ मैं हूं वीरेन कुमार। तो चलिए फ्रेंड, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप में से किसी की मोबाइल खो जाती है और आप अपने उस सिम को बंद करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि दोस्तों, आपको एक सेटिंग कर लेनी है। लेकिन फ्रेंड, ये सेटिंग जो करनी है वो आपको अपने आपके मोबाइल के खोने से पहले ही कर लेनी है। अर्थात आपके पास जो सिम है, जो मोबाइल चला रहे हैं आप, उसमें जो वोडाफोन का या किसी सिम का नंबर चला रहे हैं, तो आपको अभी वो सेटिंग कर लेनी है ताकि जब भी वो आपकी मोबाइल या खो जाए तो आप उसे सिम को बंद कर सकें। तो दोस्तों, यह ध्यान दीजिए कि इस वीडियो में जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ वोडाफोन वालों के लिए ही बता रहा हूँ, जो लोग वोडाफोन का सिम यूज करते हैं। अगर आप अन्य कंपनी का सिम यूज करते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां आप लिखिए अपने जो भी सिम चला रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखिए, तो हम उस कंपनी के सिम को कैसे बंद किया जाता है उसके संबंध में हम आपको बता देंगे। अगर आपकी मोबाइल खोती है, आपका वो सिम खो जाता है किसी भी कंपनी का हो, तो वो कैसे आप उस सिम को बंद करेंगे और चाहें तो दूसरा भी सिम कैसे लेंगे, तो आपको वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अपने सिम का नाम लिख देना है। तो फ्रेंड, अब यहाँ आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप अपने मोबाइल को ले लीजिए और अपने मोबाइल में आप सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है माई वोडाफोन इंडिया। दोस्तों, माई वोडाफोन इंडिया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, इतना आपको लिखना है, माई वोडाफोन इंडिया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद इसे सर्च कर देना है। फ्रेंड, इसे सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा रजिस्टर नाउ वोडाफोन इंडिया, इसमें आपको ओके कर देना है इस लिंक को। फ्रेंड, जैसे आप यहां ओके करेंगे तो आपको देखिए यहां एंटर योर वोडाफोन नंबर का ऑप्शन दिखेगा। तो अब आपके पास जो भी वोडाफोन नंबर है, चाहे वो किसी भी मोबाइल में है, आपको यहां पर उसका नंबर यहां एंटर कर देना है। फ्रेंड, जब यहां पर आप अपना नंबर एंटर करेंगे उसके बाद यहां जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, सबमिट एंड जनरेट ओटीपी पर, तो आपके उस वोडाफोन नंबर पर एक मैसेज, एक ओटीपी जाएगा, आपको वो ओटीपी यहां पर एंटर करना है। फ्रेंड, जैसे वो ओटीपी यहां पर आप एंटर करेंगे तो यहां पर आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, आपके सामने अगला ऑप्शन दिखेगा जहां पर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना होगा, तो आप अपना पासवर्ड बना लीजिए। तो सो पासवर्ड बनाने के बाद आपको फिर से बिल्कुल आसान यहां पर रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद फ्रेंड कुछ नहीं करना है, पासवर्ड बना लीजिए, उसके बाद फिर से आपको बैक आ जाना है यहाँ गूगल में, और यहाँ से फिर से आपको सर्च करना है माई वोडाफोन इंडिया, उसके बाद लॉगिन आप लिख सकते हैं या माई वोडाफोन इंडिया ही लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहां लॉगिन भी लिख देता हूं, उसके बाद सर्च कीजिए, उसके बाद ऊपर देखिए वोडाफोन इंडिया लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड, यहाँ देखिए आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पर आपको वोडाफोन नंबर एंटर करना है। अब फ्रेंड, जब आप पासवर्ड बना लिए, अब क्या करना है, आपको यहाँ ऊपर में अपना वो नंबर एंटर कर देना है। तो मैं जैसे कि यहाँ पर अपना एक नंबर एंटर कर देता हूँ जो कि मैं पहले से रजिस्ट्रेशन किया हूँ। उसके बाद फ्रेंड, आपको इंटर पासवर्ड पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपको जो पासवर्ड बनाए रहेंगे उस पासवर्ड को एंटर करना है, उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने अगला इंटरफेस खुलकर आ जाएगा।
दोस्तों जब अगला इंटरफेस खुलकर आएगा तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको दिखाएगा उस सिम में, अर्थात जो वोडाफोन नंबर आपने यहाँ रजिस्टर कर लिया है उसका, उसमें कितना बैलेंस है आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर इस सिम को बंद करने के लिए, उस सिम को बंद करने के लिए जो आप रजिस्टर कर लिए हैं, बाई चांस आपका वो सिम खो गया जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ एंटर किया, तो अब भविष्य में जब भी आपको उस सिम को बंद करने की ज़रूरत पड़ी तो इस प्रकार से आपको यहाँ लॉगिन करके आ जाना है। और उसके बाद यहाँ जो तीन लाइन दिख रही है आपको इस तीन लाइन पर क्लिक करना है बाएं तरफ ऊपर में। उसके बाद फ्रेंड नीचे आप देखिए ब्लॉक यूअर सिम का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ब्लॉक यूअर सिम पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप फिलहाल दोस्तों इस समय जो मैं अपनी सिम को बंद नहीं करना चाहता हूं, आप जब यहां ब्लॉक यूअर सिम पर नीचे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा। तो फ्रेंड हम पहले से एक सिम बंद कर चुके हैं तो हम आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास है तो हम आपको वो दिखा देते हैं। दोस्तों जैसे आप ब्लॉक यूअर सिम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से मैसेज आएगा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखकर आ रहा है, हेलो वीरेंद्र, प्लीज़ नोट दैट यूअर एग्जिस्टिंग सिम कार्ड विल बी टेम्पररीली सस्पेंडेड विद इन 2 आवर्स, अर्थात 2 घंटे में हमारा इस सिम बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे लिख रहा है ब्लॉक यूअर सिम, आर यू श्योर यू वांट टू ब्लॉक यूअर सिम, अगर आप अपना सिम मतलब कि बंद करना चाहते हैं स्थायी रूप से तो यहाँ नीचे जो यस लिखा है इस पर क्लिक करना है। तो आपको जब यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला पेज इस प्रकार से खुल जाएगा कि यहाँ देखिए लिखा मिल रहा है कि वी हैव रिसीव्ड यूअर रिक्वेस्ट टू ब्लॉक यूअर सिम कार्ड, प्लीज़ विजिट वोडाफोन स्टोर ऐप अप्लाई फॉर न्यू सिम कार्ड, यूअर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है। अर्थात दोस्तों आपका जो सिम है वो अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा और आपको यहाँ एक नंबर दिखेगा, आप इस नंबर, ये रिक्वेस्ट नंबर है, अगर आप दूसरा सिम लेना चाहते हैं तो आप वोडाफोन के मिनी स्टोर में या वोडाफोन रिटेलर के पास जाकर इस नंबर को दिखाकर आप दूसरा सिम भी ले सकते हैं, तो अस्थायी रूप से आपका सिम जो है बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड आपके पास जितने भी वोडाफोन नंबर आप यूज करते हैं या आपके फैमिली में यूज होते हैं तो आप चाहें तो इन सब का रजिस्ट्रेशन इस प्रकार से करके यहां पर एक पासवर्ड बनाकर आप रखें जाए, ताकि जब भी वो सिम खोए या मोबाइल खोए वो आप उस सिम बंद करना चाहें तो आसानी से बंद कर सकें। तो फ्रेंड आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड अगर ये हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।